तो गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। गाइज सभी को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से सभी को दिवाली की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं गाइज। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ दिलवाने जिठानी का झगड़ा। जिठानी का झगड़ा अगर बड़े के बड़े में तो इज्जत कर बड़े में बाबा हां तो आयो रे बाबा पकड़ा नहीं हो रे भैया। काहे कहाँ चली गई? नहीं सुनाई दे रहा का? का कहत रहा था हमें समझ में नहीं आई लोगाई के लाने तो कहाँ मर गई? काहे नहीं सुनाई दे रहा का? अब जो बताओ हमें समझ नहीं आ। हम कहते हैं एकदम खेत से तुमने अपने मुंह से रोटी पानी बनी कि नहीं बनी है? बोलो बन गई फुसलू। चिल्लिया काहे पे रहते हैं? चिल्लिया ही से रहे कि तुम काहे चिल्लिया रहे हमारे ऊपर? घर में कछु काम नहीं रह पाएगा? काम रहा सब कछु रहा लेकिन 12 बजे का रोटी नहीं बनी है बेलो का? बन गई तो चलो फसा दीजिए। चलो महा। हाँ चल महा। हाँ चल ना। देखो बन गया, बहुत बन गया। रील है बन रही है, रील है। अब चलगा हो मोबाइल तक ठीक है बड़े भैया आज नहीं चला तो अब आपको कहाँ जा रहा? अरे कौन चलाओ हम जो नहीं कह रहे लेकिन कम से कम बड़े भैया आज नहीं आए बड़े भैया। हमने सुनी थी शायद भी मोड़ी है देखू लड़का कहाँ देख भी गयी थी लड़का देखन जाओ तो मैं लेने देना। अरे पगला होगा तुम जो बताओ अपने बड़े भैया है अपनी बहन नहीं का बात कर रही तुम जो बताओ अपना फर्ज नहीं बनत का? फर्ज बने से तुम्हें कितना बांधा बम बताई ने? हमें तो खूब नहीं बांधू लेकिन उन्हें तो बड़ो जन्म दो पैदा करो पढ़ाओ लिखाओ और इतना बड़ो कर दो कि तुमसे ब्याह करो। अब क्या चाहती तुम? और नहीं बड़े लड़का पति तो ब्याह कर दो सब कर दो लेकिन पूरा डेरा सब गृहस्थी वही पता मैं तो मान चली तो मैं तो कुछ कमी है हमें ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं हो हमारी तो बहन है हम कर भी बिल्कुल कर भी हमें नहीं कर दी अब इतनी बड़ी जिंदगी भरी कर ले भी उनके ला करा सुना सुन मैं तो भाग गया हूँ। भाग जाओ भाग जाओ तो हमें धमकी न दे करो धमकी न दे करो जब देखो जब उन्हें तरह करत रहा तो कौन सो तरह तरह का तो अपने फर्ज बना दे तुम का कहे काल के दिन चार चार आदमी चार रिश्तेदार का कहे कि बताओ बहन को भैया ने ब्याह के लाने मोच राउ करो न्यारो होगा भग गो जो कौन अच्छी बात है जो अच्छी बात नहीं सो का बांधता का सब का जो बात मताई ने मैं तो चलेगा और पूरे अपने धाए गए और ने जे तुनो करो अपनो फर्ज अदा कर गए हमार फर्ज जाए जब अपनी बहन के लाने कर भी हमें नहीं करत ने कछु नहीं तुमसे नहीं मांग रहे ना तुमसे मांग रहे तुम्हारे बाप मताई से मांग रहे हम अपनी मेहनत को लगा नहीं खबा तो बीच में तुम भी ना कहो तुम भी ना कहो तो नहीं तो बने रह गयो फिर हमारे नए आई गयो ये बाल बच्चे सब पालो। अब तुम्हें समझ में ना आई हो तो जाओ अपना काम करो। काम ही काम तो करा तो रहते ना भाई तुम काम करा तो रहा कमरान तो ठीक है तो हमें नहीं सुनने को की भैया। अरे का है हमें 500 रुपया चाहिए 500 रुपया काहे की लाग का भज्जा जे भरे धरे का 500 रुपया सोना सूट ले ले भाभी तुम अपनो काम करो तुमसे तो मांग नहीं अपनो काम करो बात तो वही को सब इसमें ना बोलो करो कहा करने तुम्हें पैसे में सूट खरीदना है हमें सब टेंशन ना लो ठीक है तुम अभी चलो घर जाओ रोटी रोटी खाओ हम जा रहे हैं एटीएम से पैसे निकालने 500 चाहने तुम्हें हम चलो 600-700 नहीं दूंगी मैं तो अपने और कछु लेता आई ठीक है कौन से जमाने में जी रही ऐसी बाप बोलेगा बोले नहीं गांव की मोड़ी बहुत अच्छी हो सीधरी हो ऐसी यह सीधरी फालतू में दिमाग खराब कर सुबह से लेके सामने बैठा टल रहा टल भाभी जो सूट लग गई और नर अच्छा बिल्लू जो तो बढ़िया ले आई एक अब मोरेला ने साड़ी ले आती और हाँ साड़ी लेवा दे अभी तो मैं हमें तो यही यहाँ रख दो चलो अंदर चलो जाओ
सूट ले आई हो उहो तो चाहे कैसे बाप मताई धाएगा डेरा पूरा बांध के ऐसे तो बाप मताई धाएगा डेरा लेके सो लेवा उतरा घो जाइयो का होगा कॉमन ओ काहे तुम चले आत रही जो बताओ अकेली न ले जैसे अपनी बहन से ऐसी तो जाबे न के ला है तो 20 साल की हो गई क्या कछु कर नहीं सकता है जब देखो जब आती हो तुम सर हम ना अगर जवान बिटिया बाहर ने करे काम करे सो जी पूरा मोहल्ला के काके है सो ऐसे तो तुम तारे तारे कर दी धागा ना काम में ताई डेरा पूरा डेरा धागा तो कह तो मैं दे हम ना करे देगा और पहले तो बहन को ब्याह निपटाने हैं है तो बहन को निपटाने ऐसे तो बाप मताई कहेगा दिख दे तो हमें कहा दे दो कछु नहीं दा ये फूटी टाट सुनो ज्यादा मोनोलॉग करो मैं था कौन खाए लेती था मैं अगर ज्यादा खा लेगा अगर बड़े की दाई में तो इज्जत कई बड़े में वह हाथ और उठा दे भी हम तुम्हारी इज्जत न करो बिल्कुल न कर भी इज्जत जब हाथी जब करी और जैसे बाप मताई मार गए तो धाएगा पूरा डेरा कहा दे दो तुमने कर बुरा ऐसा ना हो भाई के मैं धार ना सब कछु भर के वो तो देने ही पड़े वही तो देने पड़े तो जब कौन का बोल रहा है मतलब तो हमें मारो ना मार जैसे इज्जत का करो हमारी सो हम भी ना कर भी तुम्हारी देखो हमें रहने अलग जन जितनी कैसे किसानी भाई सो करो बंटवारो हमें नहीं रहने सोच में हो दे जब होने यार पहले ब्याह होने पटे बहन को बहन को बाद में न पटे जब पहले हमें अपना पूरा आधा डेरा चाहना है तो मैं ऐसा करो तुम जाओ तो तुम्हें तो नहीं बिल्कुल दिमाग हमें तो हाँ हमें खाएगा दिमाग जो आप जिनके लट को पहना हमें आधा चाहना है आधा लेना है हमें जब भाई साहब आ जाए ना तो नहीं से करियो बात हमें भाई साहब से कहीं हमें तुम से चाहना नहीं तो हम आगे को चलेंगे और करियो बात तो मोबाइल में काया घुसी रहा था का होगा काय हाना दे आ रही अरे जो होगा हाँ। ये तुम्हारी वह बहू है ना अच्छे ज्यादा ही केल मचाए खाए जाए बिल्कुल हमें अब हम का करिए इतने तो ठीक है घाय में मोहल्ला की आदमी तक का जो कह रहे कि भैया से कहा नहीं है कि तुम लोगों का समझाए और जो देन दे तो ब्याह भी तो निपटाने भाई एकदम जो काट के बंटवारा करो बंटवारा में नहीं होने कही जोशो वही तो मैंने कही थी उसे समझा दे रहे हम ढंग से हुआ हो जाए सुख ढो वही का समझाओ कैसे नहीं जब बातों बातों गांव की पोर रहा बिल्कुल उनके तो बिल्कुल दिमाग है ही नहीं है आओ जो नहीं सोच सकते बहन अगर जवान हो को ब्याह तो अपना ही निपटा ना और का जब जब ब्याह हो जाए बहन को जब हम का ना बंटवारा करवा दू बाकी नहीं हमें अब करने है जी तो मैंने उसे ठीक है तुम एक काम करो जाओ भी तो हम है जो कह दे भी उनसे ठीक है भैया आ जाओ समझा समझा दे भी हम उन्हें तो वही घाय भाई सीधो जान के बस बोलत नहीं है कछु जा जब बहू है तो बहू खाए खा फिर नहीं कहे बेटी फालतू से कहा हूँ अरे यार भैया हमारी जो समझ में नहीं आता है कि जब से बाप माता ही मारे गए और तुम्हारा ब्याह भाव जब से तो तुम्हें पता होगा भौजी कितनी सीधरी है क्या नहीं है कहा होगा कहे हो कहा तुम्हारी दुल्हन अलग की मचाए बताओ कैसे अलग हो जाए बहन रखी है ब्याह के लाने चार आदमी ना हो हम ही का जाए बड़े हम है ना घर में तो ठीक है तो तू कीने तुमसे कह दिया अलग की लाने भौजाई पे लड़ी तुम्हारी दुल्हन है कि हमें अलग होने सोना चांदी बांटो अब कहाँ से बांट देगी बताओ अब बिल्कुल बिल्कुल तो आदमी गांव के लोग कहेंगे ससुर के बताओ बहन अब बे एक दो लाख रुपया रखे तो हम कोनो गरीब तो लायका देख के ब्याह करें दे रहे और कछु तुम करो एक आध लाख रुपया एक आध लाख हम उठा ले रहे कहूँ से ब्याह हो जाए मोड़ी को हम जो कह रहे भैया तो मोड़ी के पीछे हाथ कर दो ठीक है मैं अलग हो जाओ कछु नहीं हो रहा बे तने बात चल रही तुम तुम्हें की नहीं बुलाओ तुम जाओ भीतर जाओ काम करो कछु नहीं मचो बेटा हल्ला तुम दीदी से जो बताओ इतना बतकाओ करने है तुम्हारी सास समान है वो दीदी और तुम उसे इतना बतकाओ कर रही थी कहू हम मारे कहू कूटे उन्हें सब बताओ हमें अलग कैसे होने जो बताओ पहले जो बहन को ब्याह तो निपट जाए तुम्हारी नंद को बाप मताई ने कितना करो खेती किसानी में कितने करो बताओ मैं तुम डेरा हमारे ब्याह में भरो तो एक ही थक गया बाप मताई ने गुंजास ना थी दूसरो डेरा तुम्हारी का चलो तो अब सब कुछ चढ़ो हमें तो कहा बंद सब देखो सो तुम्हारी खुद बांध के धार दे बेटा हम तुम्हें अब बांट है ना का बहन को ब्याह निपट जावे तो बांटे दे रहे हम सब बांटे दे रहे सब बांट दे तो सुना पहली तुम्हारी गलत आदत है तुम कहीं एकदम एकदम दे ले दे रहा कहा देने देने कहा बताओ सही जब अपनो काम कर देना हमको हम नहीं देना देख कर लू पर नहीं बिल्कुल
तो कर गई बिल्कुल भाई गया सो कल्लू पा गई तो हमारी लोग आई पर गोरी जाए। अरे गोरी तो ठीक है देखो खा खा के देखा सो कितने मोटाया तुम मोटाया हमें देखो तो भैया हम नहीं सो बेटा तुम खाओ कौन तुम्हें को मना कर तुम्हें दिखा दे दीदी लड़ाई कर भी लाए तुम हवा में पता है सब गाँव के लोग बताऊंगा बटवारा नहीं होना मुकेश ठीक है कछु नहीं होना बिल्कुल नहीं होना हमें हमें जो बता दो मान बताइए कितना है कितना है बताओ तुम्हें ये दे दे हमें नहीं देगा कछु नहीं दे रहा है उसको 2.5 लाख को तो मैं अगर नहीं तुम्हें देना है ठीक है नहीं देगा ना ब्याह में तो हम क्या बेचे दे रहे तो बहन को ब्याह कहें दे सुनो गाँव की आदमी ने सरपंच ने सामने बताओ क्या समझ हम नहीं दाए इतने साल सुन रहे हमारी सुन रहे भैया बटन जी को खात ना चचपरा तुमसे तो बात नहीं कर रहा तुमने बोल रहा हूँ बहुत बंद करवा लेते हैं बिल्कुल ना बंद चपरा ले जा अंदर चल जा जा अंदर 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 इतने मोना चला ठीक है तो जा अंदर वो तो मोना चला से सो काकल लग गया हाँ हम वही लोग आई थे तो लगे सिंह तो तो फाइनल तो ले कान खोल के बटने नहीं है बटने हैं जब हमने क्या नहीं तो बटने हैं तो हमें डेरा नहीं देना ना जमीन देना अब नहीं बटने पहले बिटिया को ब्याह हो जाए बटना हुआ बिटिया को ब्याह क्या बटने ब्याह तुम एक काम को जाओ तुम बीते जाओ हम बात कहने ठीक है जाओ 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 नहीं होने नहीं होने बिल्कुल होने बटवारा नहीं होने भैया मुझे वही क्या जाता हल कैसे चूतिया बना सकते हमने का चूतिया बना दो हमने बना दिया जैसे हमने कहीं हर की बहू लड़ा था कहीं लड़ा था काय की वजह से लड़ा हम का के नहीं होने बटवारा का का चूतिया ये बिल्कुल जैसे हल कैसे देखा था जब देखो जब चुगली हल की हल कैसे तो तुम्हें नहीं जब पानी पसी आओ ऐसे ही ब्याह कर दो आओ हमने करो ओ हमें तो ब्याह करो की ना तो दत्ता भाई जिंदा है तो कमा के तो हमें ले आते तो हमें भीड़ नहीं लेनी अपने शरीर में नहीं धर लेने आजकल भैया भैया बहुत बेवकूफ बना रहे हैं हमें नहीं आए उनमें से ठीक है ना तो तुम्हें देने हो तो बोलो ना हमें नहीं देने तो 7 मूल को हो जाइए तो ही दुबई हो जाए चलो कहाँ इनके तुम्हें बीमार कर देते तो हम कहे कोर्ट में नहीं कहते पेंट में चलो जाए तो हमें कोनो मतलब नहीं है इनसे बहस कर वो बेकार बताए तुम्हें मिला क्या बताओ की बता दे जा ते चार आदमी ना जोड़ ले चाहे कोर्ट में चलो जा चाहे कहूँ चलो जा चार आदमी यहाँ देखे है ना का के बेन ब्याह के लाने दही उके पीए हाथ करने तुम ससुर हो लड़ाई मचा रहे आए दिन ससुर नीच आ सनम नहीं आ रही ससुर घर नहीं दिखा नीच ना तू तो भैया सोंज को करने यहाँ ब्याह तो सोंज को करने तो आए लेकिन जब बहू हमारी बताए पूरे हमारी घर वाई पाए गई सीधी तो तुम्हें पता है और जब बहू रहती अब बहू पूरे घर का दबाव हो जाते समझाओगे हम पूरी समझा लय का समझा भैया नहीं समझा पा रहा हूँ भैया समझाओ तुम भैया देखो हम समझा रहे जो हम ना समझा आस पड़ोस हम तो जाते थे कहते हैं तुम्हें पता है कि हमारे बाप की इतनी इज्जत थी हर चीज लेकिन हमारे हल्की भैया ने बहू ने पूरी डुबे दी पूरा मोहल्ला का कि तुम्हारी हल्की बहू को लायक बहुत ज्यादा लड़ा अब हम कालो का के हम तो जेठ पाए तो हम कछु नहीं कह सका सुनी कैसे सके अब जो बताओ जैसे डेरा रख गए थे बाप मताई तो डेरा एक ही डेरा बनो तो दो जने का चढ़ाओ तू वो हैं अब जो बताओ कि जैसे हम कैसे बांट दें अब जब जैसे तुम अगर लोग कैसे बांट दें बहन बहन बैठी हमारी तो बहन को ब्याह कर लें जैसे लोग नहीं जैसे कर रहे जी ये ना पैसा लगा हमारा दो तो कम से कम बेच के बहन के ब्याह में तो लगा सका भैया लेकिन उसका शर्म नहीं है हमारी बहू का लायका का वे तो कहा कि अलग हो जाओ तो हमारा डेरा बट जाए तो अलग अलग हो जाए मुझे बिटिया हम की मुँह छोड़ दें बड़े के ऊपर भार हो कि नहीं है लेकिन अब लेकिन उनके दिमाग में नहीं आ रहा तो क्या कर ले बताओ तुम भाई भाई से का तेरे बात वो सीधे बात वो बोल के नहीं जाना था लेकिन वो तो यहाँ सवा है कि हम समझा भी वही भैया हाँ चलो ठीक है जाओ तुम कहाँ जा रहे हैं मैं कहीं जाते हैं दुकान हाँ हाँ ठीक है तो बताओ यार बताओ गाँव पूरा मोहल्ला के लोग कौन लगे कि तुम्हारे किच 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 रोज मची रात
हमें ये का समझाएगी, हमें भाई ये समझा भी से तो जितना समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ना आए और ना कर नहीं करने ब्यावे ने तो ब्याड़ा जाए पूरा डेरा बेचे दे और मोड़ी को ब्याह कह दी, नहीं तो ना हो तो हम यहाँ धन्य का हम तो बड़े हैं। सरपंच साहब देखो जी बैठे, देखो हम आपको न्याय करवाओ, बैठो सरपंच साहब। बताओ अब सरपंच साहब, देखियो मैंने तुम्हें बताओ ना तो लास्ट टाइम है, अब देखो जो अलग की लाने मचा रहा हूँ, अब बताओ बेन की अपने पियो हाथ करने हैं, बेन हाथ जो है बेटी को जो कह रहा हूँ मैं अलग कर दूँ, अलग कैसे हो जाए जब तक जो बताओ सरपंच साहब, तुमने तो कह दी कैसे नहीं, अब जो हल्के से हल्के थी हम इनने हमें पहुँचा था स्कूल है, जा बेटा स्कूल बताए जो पूरा पैसा लेते रहे, दूध को लेते रहा, घी को लेते रहा, गल्ला पानी सबको रखा था जी, जो तो कह रहे बयान बहन को ब्याह हो जाए तो फिर उसके बाद अलग हो जाएगी तुम, अलग तो नहीं साहब हमें नहीं खाने भाग्या बांटे जो कोई खात ना अलग नहीं है, हमें नहीं खाने एक रुपया ना, हम ये बहन को ब्याह हो जाए, देखो तो सरपंच साहब को दिमाग क्यों नहीं बताओ, तो कह सकते बहन को ब्याह हो जाए तो मतलब मैंने वही समझाओ, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी भाभी है जो देख लो सुन लो तुमने गाँव के मालिक है जी, तुम मालिक है सुनको मतलब हम का करके मर गए अपने आपस में सलाह करके ब्याह कह दो बिटिया को, मैंने जो बटवा कर लो ब्याह तो ब्याह कर है कैसा बाप मताई का सब बनाई खो धरो ब्याह कह है बोलो करो और जब हमारा कछु है नहीं तो कब मार के देखो जब हम के पड़ा पड़ा बस रुक जाओ सांद्रा का सांद्रा हमें अरे चार आदमी की भी सुननी है, अब तक हमें सुनने को की नहीं अलग रहा है हमें नहीं आने लग जाओ अपनी मां की दिक्कत हो क्या दिक्कत हो यही तो दवाई है जब देखो जब सांद्रा बिल्कुल चार आदमी की भी सुननी है ऐसे ही मुंह पर रहता है कि याद है हम तो जो ही कह रहे हैं आपस में दो बच्चे सलाह कर लो और बस बहन को ब्याह निपटा दो, हो जाओ अलग पैमा अलग तुम ही करवाओ हम गवा ठीक है अलग हो जाओ। जो भी कछु हमसे दो घूमे तीन और एक कोई चीनी हमसे मिले और ब्याह करो फिर चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई तुम्हारा धन्यवाद तुम हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक है चलो तो ऐसा करो हमारी बात सुन लो तुम सरपंच साहब ने काटे तुम्हें दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई तो भैया हमके लायक देख लो मोड़ी बुलाने गरीब तो देख लो हम का तो मोड़ी को ब्याह कर दो ठीक है फिर चाहे अलग हो जाएगी जब सरपंच साहब ने कह रही तो अपन कर ले आओ वो आते हैं सब होता है चलो देख लो।